हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओब्लीप्रेप्स। ओब्लीप्रेप्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। लाभ तथा हानि की तरह ये टॉपिक भी आपका एग्जामिनेशन में परमानेंट है। इसका मतलब है इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आने ही आने हैं। ऐसा शायद ही कोई वर्ष हो जिसमें इस टॉपिक के ऊपर प्रश्न ना आता हो। एसएससी हो, यूपी पुलिस हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, ये चैप्टर अपनी छाप छोड़ता ही है। उदाहरण ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है जो कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, दूसरा व्यक्ति बी जो कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो प्रश्न सबसे सिंपल सा ये बनता है कि ए और बी मिलके कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आपको इसको ऐसे हल नहीं करना कि ए का एक दिन का काम है 1/10, बी का एक दिन का काम है 1/15, तो दोनों का एक दिन का काम आप निकाल लेंगे, फिर आप वो समय निकालेंगे जब जितना कि आपको रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में पूछा है, जब ए और बी दोनों मिलकर कार्य समाप्त करेंगे। ठीक है, ये अप्रोच आपको छोड़नी पड़ेगी और नई अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी। नई अप्रोच क्या है कि जितने भी आंकड़े प्रश्न में दिए हैं दिनों के रेस्पेक्ट में या घंटे के रेस्पेक्ट में, उनका आपको लासा निकालना पड़ेगा। इस प्रश्न में यह दिया है ए 10 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है, बी 15 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, 10 और 15 का लासा, 10 और 15 का एलसीएम कितना है, 10 और 15 का एलसीएम 30। तो ये 30 यूनिट क्या हुआ, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, इसको हम मान लेंगे कि ये 30 यूनिट ही कुल काम है। अब ए 10 दिन में कार्य समाप्त करता है, यानी ए 10 दिन में 30 यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में करेगा 3 यूनिट काम। इसी तरह बी 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम। ठीक है, 30/15 2 आ गया। ठीक है, अब ए एक दिन में करता है 3 यूनिट काम, बी एक दिन में करता है 2 यूनिट काम, तो ए और बी मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, एक दिन में 5 यूनिट। ठीक है, ए और बी का एक दिन का काम है 5 यूनिट और कुल काम है 30 यूनिट, तो कुल कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा, कुल काम बटा एक दिन का काम, 30/5 यानी 6 दिन। तो ए और बी मिलकर कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस उदाहरण से आपने जाना कि प्रश्न हल करने के लिए जितने भी आंकड़े प्रश्न में आपको दिए हो, दिन, घंटे या कोई और समय के फॉर्म में, ठीक है, उन आंकड़ों का आप एलसीएम निकाल लो और फिर जितने भी लोग दिए हैं उनका एक दिन का काम निकालो। ठीक है, एक दिन का काम निकालने के बाद आपके प्रश्न में जो आपसे पूछा गया है वो आप निकालिए। तो स्टूडेंट्स, एक प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, सी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, ये आपका प्रश्न है। अभी अभी मैंने बताया कि जितने भी दिन या घंटे के रूप में आंकड़े दिए हों उनका आपको एलसीएम निकालना होगा। तो यहां किस किस का आंकड़ा दिया है, 24, 6 और 12 का, यही दिन दिए हैं, तो इनका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। 24, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24 ही तो होगा, तो 24 यूनिट या 24 इकाई कुल कार्य हो गया। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। ए 24 दिन में कार्य को कर सकता है और कुल कार्य 24 यूनिट है, मतलब ए एक दिन में एक यूनिट कार्य कर सकता है। ठीक है, 24/24 एक। बी 6 दिन में 24 यूनिट कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करता है, 24/6 यानी 4 यूनिट। सी 12 दिन में 24 यूनिट काम करता है, यानी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो अगर ए, बी और सी तीनों एक साथ काम में जुट जाएं, तो इनका एक दिन का कार्य कितना होगा, 1, 4 और 2 का योग यानी 7 यूनिट। कुल कार्य है 24 यूनिट, तो ये तीनों मिलके कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 24/7 यूनिट। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न को शॉर्ट में करने के लिए एक फॉर्मूला या एक ट्रिक भी है।
कह लीजिए, ठीक है। उस ट्रिक का रिलेशन कैसे, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। जब भी तीन व्यक्तियों का कार्य करने का समय आपको प्रश्न में दिया हो और पूछा जाए कि तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, तो ये फॉर्मूला लगा के भी आप उत्तर को निकाल सकते हो। इसमें x क्या दिया है प्रश्न में, a को कार्य समाप्त करने में 24 दिन लगेगा, तो x की वैल्यू हो गई 24, ठीक है। b को कार्य समाप्त करने में 6 दिन का समय लग रहा है, तो y की वैल्यू हो गई 6। c को कार्य समाप्त करने में 12 दिन का समय लग रहा है, तो z की वैल्यू हो गई 12। यही वैल्यूज आप डिनोमिनेटर में भी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो आपका सॉल्व करने पे आएगा वही उत्तर होगा। हालांकि मैं पहली अप्रोच को ज़्यादा बेटर मानता हूँ, लेकिन कुछ लोग फॉर्मूला लगाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो उनके लिए ये फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यह आपसे सवाल पूछ रहा है। दिए गए आंकड़े कौन कौन से हैं, 5 दिन तथा 3 दिन, तो इनका लासा निकाल लेते हैं। लासा आएगा 15, तो 15 यूनिट टोटल वर्क हो गया, कुल कार्य हो गया, ठीक है। और ए कुल कार्य को 5 दिन में करता है, तो जाहिर सी बात है ए का एक दिन का कार्य हो गया 3 इकाई 3 यूनिट। ए और बी मिलकर 15 यूनिट के काम को 3 दिन में करते हैं, तो इनका एक दिन का काम हो गया 5 इकाई 5 यूनिट, ठीक है। अब देखिए, ए कार्य को ए एक दिन में के कार्य में 3 इकाई काम करता है, ए और बी एक दिन के कार्य में 5 इकाई काम करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 2 ही इकाई तो होगा, ठीक है ना। ए और बी मिलकर 5 इकाई काम कर रहे हैं, ए अकेला एक दिन में 3 इकाई काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बी का कार्य 2 इकाई होगा, तो बी का एक दिन का कार्य हो गया 2 यूनिट, ठीक है। और कुल कार्य है 15 यूनिट, तो बी अकेले अगर काम करेगा तो उसे काम करने में कितना समय लगेगा, 15/2 यूनिट, ठीक है, 15/2 दिन। अगला प्रश्न आपके सामने है, ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तथा ए प्लस सी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो पूछा है अगर ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या था, जो दिए गए आंकड़े हैं उनका लासा निकालिए। यहाँ दिए गए आंकड़े हैं 12 दिन 15 दिन तथा 20 दिन, इनका लासा क्या होगा 12 15 और 20 का, यकीनन 60 ही होगा, ठीक है। ए और बी 12 दिन में कार्य को कर सकते हैं, कार्य कुल 60 यूनिट का है, ठीक है। अब ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया 5 यूनिट, बी और सी का एक दिन का कार्य कितना हो गया 4 यूनिट, सी और ए का एक दिन का कार्य हो गया 3 यूनिट, ठीक है। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो इनका अगर प्लस किया जाए तो यहां पे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 यूनिट, यानी ए बी और सी का 2 गुना काम एक दिन में है 12 यूनिट का। तो ए बी और सी का एक दिन का काम कितना होगा 6 यूनिट, 2 से विभाजित कर दिया दोनों साइड, कुल कार्य है 60 यूनिट। ए बी और सी एक दिन में कर रहे हैं 6 यूनिट काम, कितने दिन में काम करे समाप्त होगा, 60/6 यानी 10। जो लोग ट्रिक के शौकीन हैं उनके लिए ये ट्रिक लिख दे रहा हूँ। इस प्रश्न को करने के लिए ट्रिक है 2xyz अपॉन xy प्लस yz
प्लस जेड एक्स। एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, जो ए और बी को कार्य करने में समय लगा, यहां पे है 12 दिन। वाई की जगह आप क्या लिखोगे, जो बी प्लस सी को कार्य करने में लगा समय, यहां पे है 4 दिन। जेड की जगह आप क्या लिखोगे, सी प्लस ए को जो कार्य करने में समय लगा, यहां पे है 20 दिन। बी प्लस सी को कार्य करने में समय था 15 दिन, इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यूज को पुट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, पर मैं इसको इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा कि जब भी देखिए प्रश्न में आंकड़े बहुत ज्यादा दिए होंगे, जैसे यहां 12, 15 और 20 दिए हुए, तो इनका गुणा करने में थोड़ा सा समय तो जाहिर हो गई। मान लीजिए आंकड़े और कॉम्प्लेक्स होते, 48, 96, 72, तो क्या गुणा करने में समय नहीं जाहिर होता। इसीलिए ये बेसिक अप्रोच सबसे बेहतर अप्रोच है, यहां पे आपको गुणा नहीं करना है और ना ही कोई इतना कैलकुलेटिव पार्ट है, बस कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप फट से आंसर निकाल सकते हो। हाँ, अगर प्रश्न में आंकड़े सरल दिए हो, कहने का मतलब है आंकड़े अगर 2, 3, 4 दिन के दिए हो जिनका एक्स वाई जेड में गुणा आप आसानी से कर सकते हो, तो बेशक आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक को नोट कर लीजिए और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए स्टूडेंट्स एक और प्रश्न देखते हैं। ए और बी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, और ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं। दिए गए आंकड़े आपको क्या हैं, 8, 12 और 6। क्या आप जानते हैं 8, 12, 6 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम होता है 8, 12, 6 का 24। तो ये जो 24 है ये कुल कार्य हो गया, 24 यूनिट कुल कार्य है। ए और बी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो एक दिन का कार्य कितना हो गया इनका, 3 यूनिट। बी और सी का एक दिन का कार्य इसी तरह हो गया, 2 यूनिट। और ए बी और सी तीनों का एक दिन का कार्य हो गया 4 यूनिट। हमें निकालना है कि ए और सी अगर मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो जाहिर सी बात है हमको ए और सी का एक दिन का कार्य मालूम होना आवश्यक है, ठीक है। तो ए का एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, यहां देखिए ए बी और सी का एक दिन का कार्य आपने निकाल लिया है 4 यूनिट, बी और सी का एक दिन का कार्य है 2 यूनिट। तो इस ए प्लस बी प्लस सी से अगर इस b प्लस सी को माइनस कर दिया जाए तो ये b और c कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, a यूनिट बचेगा क्या, a। और 4 माइनस 2, दोनों के एक दिन के कार्य को भी तो घटाना पड़ेगा, वो आएगा 2। तो यानी कि a का एक दिन का कार्य क्या हो गया, 2 यूनिट। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो कि तीनों मिलकर एक दिन में 4 इकाई का काम कर रहे हैं और बी और सी एक दिन में 2 इकाई का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों का जो अंतर होगा वो तीसरे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ही तो होगा। ठीक है, यही हमने किया है, ए का एक दिन का कार्य हमें पता लग गया 2 यूनिट। अभी हमें सी का निकालना है। ठीक है, सी का निकालने के लिए ये ए और बी का कार्य हमें पता है एक दिन का और ए बी प्लस सी का पता है। तो इस ए प्लस बी प्लस सी से अगर ए प्लस बी को घटा दिया जाए तो फिर बचेगा क्या, सी। सी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 1 यूनिट। तो ए का एक दिन का कार्य आया 2 यूनिट और सी का एक दिन का कार्य आया 1 यूनिट। ठीक है, दोनों मिलके कितना कार्य करेंगे, 3 यूनिट। कुल कार्य कितना है, 24 यूनिट। तो ए और सी को कार्य करने में समय कितना लगा, 24/3 यानी 8 दिन। 8 दिन ही आपका उत्तर है। तो स्टूडेंट्स आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, एक्स एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है, वाई कार्य का 40% भाग 40 दिन में कर सकता है, जेड कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में कर सकता है, इनमें से कौन
कार्य पहले काम समाप्त कर सकता है। ठीक है, प्रश्न में कहा है कि कोई व्यक्ति एक्स है, वह कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। इसी तरह वाई कार्य का 40% भाग 40 दिन में करेगा। जेड कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में करता है, तो सबसे पहले कौन करेगा? अगर एक्स कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा एक्स को? 40 दिन का है ना, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। वाई कार्य का 40% भाग 40 दिन में करता है, ठीक है, 40% 40 डेज में। एक कार्य खुद का क्या होगा? पूरा 100% होगा ना। 40% काम करने में 40 दिन का समय लग रहा है तो 100% काम करने में कितना समय लगेगा? 100 दिन का, 100 दिन का, ठीक है। जेड कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में करता है, ठीक है, पूरा कार्य करने में जेड को कितना समय लगेगा? 39 डेज। तो कौन सबसे पहले कर रहा है? एक्स 40 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है, वाई 100 और जेड 39 डेज। जाहिर सी बात है जेड ही सबसे पहले कार्य का समाप्त कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपने पढ़ा समय तथा कार्य के बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक फॉर्मूलेस, ट्रिक्स के बारे में। अगले वीडियो में हमसे ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि इससे थोड़े और ऊंचे लेवल के क्वेश्चन, थोड़ा और हायर लेवल के क्वेश्चंस और उनके करने की ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। जाने से पहले हमारा चैनल ओब्लीप्रेप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।